हो से बंदूक तोप तलवार ये रे जहां दरी धराई रे जो आवे टेम पे काम वो है हथियार सही हो से। एक बात कहूंगा साची रे चाहे बुरी लगो चाहे अच्छी रे चढ़ती काची बेल काट कदे तारिया ना करते और बड्डे का बोलिया खत्ती का छोलिया कदे खाली जाता ना बड्डे श्याण्या की ही बात न कदे नकारिया ना करते। खानदान के मानस की पहचान निराली हो वे घर आए दुश्मन ने भी दुद कार्या ना करते और बेईमान से आंख जली यौसन पगट जा से पर राह चलती हुरा पे दिल कदे आर्या ना करते। मैं जानू जलन हो जाया करे यारा की तरक्की ते अगर पीठ यार की हो ते खंजर मार्या ना करते। कह रोहतास गग सिड़िया रे पहचान जरूरी से जब तक ना बने पहचान रे बंदे आर्या ना करते। बोलिए भगवान परशुराम की। सबसे पहले हमारे सम्मान के योग्य सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम और बहुत ही खुशी का मौका मेरे लिए तो और बहुत ज्यादा खुशी का मौका। इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर ये पूरी जो पार्टी आई हुई है मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। रही बात गाने की जी गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है मुझे गाना वगैरह नहीं आता। मैं एक दो चार बात आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से दादाजी के आशीर्वाद से याद करीब कहूंगा कोई गलती सलती हो जाए तो माफ कर दियो। पर जीवन में मन जो शिक्षा मिली आखिरी के 5 साल जो दादाजी के चरणों में मुझे रहने का मौका मिला तो उनसे कुछ चीज सीखने को मिली। उन्होंने कई डर जो मेरे मन में थे उनको थोड़ा दूर हटाया। उन्होंने कभी हारी हुई बात नहीं कही। जीवन में हार मानने का तो मतलब ही नहीं हमारी तरफ से। मैंने क्या करते कि आपत्ति में घबरावणिया इंसान नहीं होता और आत्महत्या तो समस्या का समाधान नहीं होता। कई लोग जीवन में हार करके आत्महत्या कर लेते समस्या देने की क्या फायदा हुआ। इसलिए वो कहते थे कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हार हमारे हाथ में है ही नहीं जीत हमारे हाथ में है ही नहीं हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। जो अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा जो कर्म अच्छा नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। अगर कोई कामयाब है तो उसने कुछ कार्य किए होंगे। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम है उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे उनसे बच के रहना हो बात बात पे टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कर आएंगे। टूटी हुई सड़क होगी कहीं गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे। फिर बड़ा हाईवे आएगा हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जलसा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। जो सबसे मिलके आगे बढ़े फिर नाकाम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कि असली संघर्ष अब होगा सुनो कहां पर खो गए तुम। किसी एक के रहे नहीं सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है मुश्किल होगी जो सो गए तुम। और संभाव जरूरी होगा यहां पर ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम के इस नादान बहुत परंदर से दुज्ञान जगा। गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम करें जैसे किसी से करना नहीं दगा। और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा। कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। इसीलिए दादाजी ने का एक भजन है मैं आपके सामने रखूंगा कोशिश करूंगा। हाँ जी के जमाना रंग बदलता है जमाना
रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को दिन चढ़ता है और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को दिन चढ़ता है और सुबह को दिन चढ़ता है और शाम को ढलता है, कई बार ये सोचते हैं कोई घना प्यारा आदमी हो, दोस्त मित्र माता पिता पुत्र कोई भी हो सकता है, न्यू कई बार सोचेंगे अगर मैं जय मानस ना रहा तो मैं क्यों कर जीऊंगा, वो इंसान रहता नहीं फिर भी हम जीते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो चक्कर है, चला हुआ है, इसको कौन रोकने वाला है। जिसने समझे जानत प्यारा ओ भी एक दिन हो जार न्यारा, जिसने समझे जानत प्यारा वो भी एक दिन हो जार न्यारा, और एक बह गिर के फिर दोबारा, एक बह गिर के फिर दोबारा, कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज रोज सुबह को चढ़के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। बेटे से बेटी प्यारी होती है, बेटा कि बाहर जा रहा हो लेट हो जाओ आदमी घनी चिंता नहीं करता, बेटी जा रही हो थोड़ी सी लेट हो जाओ नींद नहीं आवे, वो भी हमारे पास नहीं रहती। बेटे ते हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, बेटे ते हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, और भाभी एक दिन हो जानारी, भाभी एक दिन हो जानारी, कबू चलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को चढ़के सूरज, रोज सुबह को चढ़के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। ये पंडित जी रामेश्वर जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। देखिए जमाना तो इसी प्रकार से रंग बदलता रहेगा, लेकिन हमने एक बात को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और उस काम को करने के लिए हमें समय निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा काम? गाया जाते हरी गुण गाले, खाया जाते तू गम खाले, गाया जाते हरी गुण गाले, खाया जाते तू गम खाले, और जोत से जोत मिला लेने यो, जोत से जोत मिला लेने यो। ये जोत से जोत कैसे मिलेगी? मैंने एक दिन दादा से पूछा था, माँ दादा जोत से जोत कैसे मिलेगी? ने बोला भाई हम जितने भी जीव धरती के ऊपर हैं सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, वो उस परमात्मा में विलीन होने के लिए तड़पती रहती है। जिस प्रकार से एक बूंद
सागर में मिलने के लिए तड़पती है। जब तक वो बूंद सागर में नहीं मिलती तब तक तो बूंद है, लेकिन जैसे ही वो सागर में मिल जाती है वो बूंद नहीं कहलाती, वो सागर कहलाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से जब ये हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब ये आत्मा नहीं कहलाएगी, परमात्मा कहलाना शुरू कर देगी। इसीलिए सौ रुपये मान सिंह जी और सौ रुपये ओम प्रकाश जी, 200 रुपये से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जोत से जोत मिला लेने, जोत से जोत मिला लेने, ये वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को चढ़ के सूरज, रोज सुबह को चढ़ के सूरज, सांझ को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। आखिरी में दादा ने कहा एक नियम है यहाँ का, हम दुनिया में आए हैं तो यहाँ जीने का एक नियम है, जो नियम के अनुसार कार्य करते हैं वो जीवन में कभी दुख नहीं पाते, वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। लेकिन नियम से हटकर हम कितना भी अंग ला लें कुछ नहीं मिलेगा। कि एक नियम है यहाँ का, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले फिर भी आज कुछ ना आवे, जैसा काटना तू चाहो वैसा बोना पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। जाने जिंदगी में क्या क्या जंग झोना पड़ेगा, और यहाँ पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। हाँ जी, सुई से ये घोड़ी वाला जी 100 रुपये से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। कह जगन्नाथ तू चाल देख के, चाल देख के, चाल देख के, चाल देख कर, चाल देख कर, जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची गाल देख के, जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची गाल देख के, और इस दुनिया का हाल देख के, ओ इस दुनिया का हाल देख, मेरा हृदय चलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रामफल वाल्मीकि जी बापूडा से 100 रुपये सम्मान करने, बहुत बहुत धन्यवाद है।